भाई ये लोकेशन देख के ना, ये तो मेरी आवाज गूंज रही है। दिन की वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको लोकेशन की डेप्थ दिखाना है कि लोकेशन की क्या डेप्थ है और लोकेशन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि रात को है ना जहां तक लाइटिंग जाएगी वहीं तक आप है ना लोकेशन देख पाओगे, लेकिन लोकेशन देखो लेवल ही अलग है इसका। तो अंदर चलते हैं थोड़ा सा और फिर ये लोकेशन को कवर करते हैं। वैसे मेरी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है तो समझ सकते हो कि लोकेशन कितनी खतरनाक है। बाकी इसकी स्टोरी रात की लोकेशन में, अभी सिर्फ डे की लोकेशन में आप लोकेशन देखो। तो भाई फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और लोकेशन सच में इतनी बड़ी है ना, सच में इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं सच में स्पीचलेस हूं भाई लोकेशन को देखकर। और चारों तरफ है ना सिर्फ और सिर्फ जंगल है, बहुत दूर दूर तक, काफी दूर दूर तक ये फैला हुआ है। मेरी आवाज बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही होगी, और मतलब सच में यार जिसने भी ये बनाया है ना अमेजिंग बनाया है। और ये बनता हुआ ही बंद हो गया है, ये इसकी आई थिंक लॉबी हुआ करती होगी, जिस भी टाइम पे हुआ करती होगी, या लॉबी ये बनाने की सोच रहे होंगे। और यहाँ पे ये इसकी मेन एंट्रेंस और ये लॉबी, आई थिंक यहाँ पे रिसेप्शन रिसेप्शन सोचते होंगे। अब बाकी अंदर चलते हैं भाई, काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है इस होटल को, अम्बाला सिटी के अंदर फेमस है ये। बाकी अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मेरी आवाज़ एक तो बहुत ज़्यादा गूंज रही होगी क्योंकि मेरे को जब इतना ज़्यादा ये फील हो रही है इको, तो आपको तो डेफिनेटली फील हो रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंट्रलाइज्ड एसी भी यहाँ पे लगाए गए होंगे। सच में बहुत बड़ी लोकेशन और इस तरीके से अबंडेंट। कभी कभी तो यार सच में मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ सच में है या नहीं है, क्योंकि यार ऐसी क्या हुआ कि लोग इतना इतना नुकसान अपना झेल लेते हैं। और यहां से स्टार्ट होती है लोकेशन ये, आ जा। आई थिंक ये साफट है दोनों साइड, हाँ जो ऊपर तक जा रही है साफट है, ये साफट बनाई हुई है। ये सेंट्रलाइज एसी पूरे ऊपर, ये भी साफट है दोनों। ओके ये नीचे बेसमेंट है भाई। अब ये पता नहीं गाड़ियों की पार्किंग का था या क्या था, थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहां तक, क्योंकि अब देखा जाए तो ये पूरा पूरा का पूरा इसमें पानी भरा हुआ है। वैसे तो सर मेरे को डर लग रहा है भाई सीढ़ियों में भी उतरने में, कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि काफी चीजें उधर देखो टूटी हुई पड़ी हुई है। और ये ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा सा ही गहरा है। मेरे को सच में भाई डर लग रहा कि ये टूट ना जाए, क्योंकि मैंने जो आशीष की वीडियो में देखा था ना, तो पानी भाई उस टाइम यहाँ पर तक था, ये तो मुझे लगा था शायद ये बहुत गहरा होगा, लेकिन अब पानी थोड़ा नीचे उतर हुआ है। और आप अभी देख सकते हो, ओ भाई दूर तक दिखाई को, सीरियसली यार भाई। और ये कोई पार्किंग नहीं है, ये भी होटल ही बना हुआ था पूरा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि इधर रूम्स बने हुए प्रॉपर। और पानी सच में बहुत गहरा है, मतलब मेरी कमर तक ये पानी होगा। आपको इसमें शायद नहीं पता लग रहा क्योंकि ये पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, इतना साफ नीचे तल दिख रहा है, लेकिन ये पानी सच में गहरा है मेरी कमर तक, तो बहुत दूर तक है ये। और इसमें तो भाई मैं जा नहीं सकता, सॉरी वैसे भी मेरे को वाटर फॉबिया है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। सच में गाइस ये है हॉन्टेड लोकेशन। अगर हम किसी को प्रॉपर बोले ना कि हॉन्टेड लोकेशन क्या होती है, तो वो ये होती है। बहुत बड़ी लोकेशन। इधर जाके फिर से आप देख सकते हो कि हम ये किसी एक, अब सीरियसली आई डोंट नो कि ये रूम था क्या था क्या नहीं था। दिन वाली वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, रात को हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि एक पार्ट में ये फिर
लोकेशन कवर हो पाएगी। हम ढंग से कोशिश करेंगे दोनों पार्ट में इसको कवर करने की, ताकि आप भी बोल रहा हूं एक ये लॉबी टाइप है जो बनी हुई है, दोनों साइड इसके रूम है, कुछ अफवाहें हैं या फिर हकीकत ये तो हमें शायद रात की वीडियो में पता लगे, लेकिन जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार। वाओ, ये सारे रूम्स बने हुए हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ रूम्स ही हैं। ये एक मेरे को ऐसा प्लेस लगा जहां पर लोग शायद बहुत ज्यादा कम आते हैं। अब यही जो नीचे से स्टेयर आ रही थी, सेम यही स्टेयर ऊपर जा रही है इधर की साइड से, लेकिन ये यहां से शुरू हो रही है, नीचे से शुरू हो रही है। सॉरी, ये भी चलो ऊपर चलते हैं। एक चीज मैं आपको अभी इस वीडियो में ही बता देता हूँ कि हमें दिन में भी ना अंदर यहाँ पे लाइटिंग की जरूरत पड़ रही है, तो आप सोच सकते हो कि रात को यहाँ पे कितना ज्यादा सन्नाटा और अंधेरा होगा। ये भी सेम शायद, आई थिंक हम सेकंड फ्लोर पे शायद, तो ये लिफ्ट के लिए बनाया होगा इन्होंने, ये लिफ्ट के गेट लगे हुए हैं जिनपे जंग लग चुका है। चलो आ जाओ ऊपर चलते हैं, आ जाओ। इसका थर्ड फ्लोर है, लेकिन मैं जगह देख रहा हूं टेरिस पे जाने के लिए, क्योंकि मैं टेरिस से ना एक ओवर लुक देखना चाहता हूं पूरे के पूरे आसपास के एरिया की। यहां पे कुछ बना हुआ है, इतना टाइम हो चुका है कि जड़ें जो हैं पेड़ों की वो भी अंदर आ चुकी हैं। अब आप देख सकते हो काफी दूर तक, यहां से काफी दूर तक कि दूर दूर तक सिर्फ आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे बहुत दूर तक। बिल्कुल खेतों के बीच में ये बना हुआ है, और मैं एक बार देखता हूँ कि ऊपर हम कैसे जा सकते हैं। रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई, रास्ता ही नहीं मिल के देगा। ये क्या है, ये वही किचन आ गई क्या? ये पीछे से स्टेयर्स आ रही हैं ऊपर। अच्छा, ओह वाह, छत हमें मिल गई। ओके, सो फाइनली हम छत पे आ चुके हैं और छत हमें मिल चुकी है। मजेदार, ये वीडियो डल जाएगी इसके दो या तीन दिन बाद, नाइट की लोकेशन आएगी और नाइट की लोकेशन मजे आएंगे भाई, नाइट की लोकेशन पे आपको और मजेदार वीडियो होने वाली है। ये इस लोकेशन में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपको मुझे बताना है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि आपको दिन में एक ओवरव्यू दे पाऊं पूरी लोकेशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लोकेशन है, वो आपको रात को पता लगेगी। और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, जब आप खोलोगे ना तो ऊपर लिखा होगा दीप वर्मा व्लॉग्स, तो दीप वर्मा व्लॉग्स को फॉलो कर लो अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए। और इसके नीचे ही होगा राकेश गुप्ता, तो राकेश ने भाई एक नया चैनल बनाया है जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो फिटनेस में, स्पेशली फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, तो जरूर राकेश
के चैनल को जाके प्यार दो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा है वो डाइट के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। मस्त रहो, मजे लो, जिंदगी जियो, और भाई जो मन में आता है करो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।